हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरे प्यारे रसगुल्लों के लिए एक मजेदार शायरी कि हर कर्ज दोस्ती अदा कौन करेगा, हम ही ना रहेंगे तो दोस्ती कौन करेगा। ए खुदा मेरे प्यारे रसगुल्लों को सलामत रखना, वरना एमके सर इंस्पिरेशन का नाम रोशन कौन करेगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही मजेदार टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो भी नियम है उनका निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं और फिर से बता देते हैं आपको, अगर नहीं पता बच्चों, जो चैप्टर वाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सभी के सभी आपके जो या तो भाई ये 3 नंबर में आएंगे या 5 नंबर में आएंगे। ये सारे क्वेश्चन की आप देखेंगे, प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है, 12th Physics 2024 सारे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी शॉर्ट की हम हैंड राइटिंग नोट्स PDF देंगे, ये हमारी टेंशन है रसगुल्लों, आपको टेंशन नहीं लेना, बस मजे में पढ़ाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब जो नियम है वो क्या कहता है। देखिए, माइकल फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर मतलब इन्होंने बहुत रिसर्च किया और उसके बाद इन्होंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना संबंधी 2 नियम को बताया, जिसके मदद से क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक दिशा को, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम या विद्युत वाहक बल को ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरे में क्या है, इनके आंकिक मान के संबंधित नियम दिया था, ठीक। तो चलिए समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी घटना है, ध्यान से समझना बच्चों, कि जब दो मतलब एक कुंडली हमने यहां से बना लिया है, ठीक है ना, और एक क्या है, ये चुंबक है, मैग्नेट। ध्यान से समझिएगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है उसको सीख लेते हैं पहले, कि जब किसी कुंडली, ये कोई तार की बच्चों कुंडली है, ठीक, और एक चुंबक है, तो जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है ना, मान लेते हैं ये क्या है, चुंबक है, नॉर्थ साउथ इसका, इसके पोल है, ध्रुव है, और इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं बच्चों, और वो डायरेक्टली इस कुंडली को प्रभावित कर देती हैं। तो जब वही कह रहा है कि यानी जैसे कुंडली स्थित है तो चुंबक हम इसके पास लाएं, या फिर चुंबक ऐसे स्थित है भाई हम कुंडली को पास ले जाएं, तो दोनों घटना कुछ भी कर सकते हैं। तो बस वही चीज है कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है, तो बच्चों उसके कारण इन दोनों के बीच में एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, यानी विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, और इसी बल के कारण, यानी इन दोनों के बीच जब विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, उस बल के कारण इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा बोलते हैं। बात समझ में आई? और यही घटना जो है, यही इंसिडेंट जो है रसगुल्लों, वो कहलाती है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात समझ में आई इतनी? हमने क्या बोला कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो इनके बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसी घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय जो मतलब इसमें विद्युत वाहक बल होता है, उसी के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसको प्रेरित धारा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है ना। चलिए अब देख लेते हैं जो माइकल फैराडे ने नियम दिया वो नियम क्या कहता है। तो पहला नियम है बच्चों, तो पहला नियम एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसको हम अच्छे से आपको समझाते हैं। जो पहला नियम है क्या कह रहा बच्चों, कि जब किसी परिपथ से बद्ध, ठीक, और परिपथ कैसा होना चाहिए, एक कुंडली मतलब एक बंद परिपथ, क्योंकि अगर हम गोल कुंडली बना देंगे तो बंद परिपथ ही बन जाएगा बच्चों। तो वही कह रहा है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक, तो परिपथ में एक कह रहा है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, अभी हमने आपको बताया, ठीक, तथा इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना, और यह धारा तब तक बहती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। मतलब जाहिर सी बात है भाई कि अगर हम इसको दूर ले जाएंगे बल,
खत्म हो जाएगा, है ना। जब इसको हम पास ले जाएंगे प्रबल होगा, जितना पास लाएंगे इसमें चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के मान में उतना ही ज्यादा, यानी इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं या चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं वो उतना ही ज्यादा प्रबल होंगी। वही चीज ये नियम कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में, यानी इस कुंडली में ही मान लेते हैं, एक धारा यानी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक, और उसी के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक। और यह धारा तब तक बहती रहती है, यानी तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो चलिए अब इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीख लेते हैं कि कैसे यह घटना होती है। जैसे बच्चों हमने क्या किया, एक कुंडली ले लिया, एक कुंडली बना लिया, ठीक। यहां पर एक कुंडली है, नॉर्थ साउथ इसके दो ध्रुव हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, एक ठीक कुंडली बना लेते हैं। ये क्या है, चुंबक है बच्चों, और ये क्या है, कुंडली है, ठीक है ना, समझ में आया। ये हमने एक चुंबक ले लिया बच्चों, और यहां पर क्या है रसगुल्लों, एक कुंडली है, तार की एक कुंडली है। अब इसमें से जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये क्या करेंगी, भाई जाहिर सी बात है जब कुंडली की ओर निकलेंगी तो इससे क्या है, कुंडली में एक हलचल उत्पन्न हो जाएगा, यानी कुंडली क्या है, कुंडली ये जाहिर सी बात है इन चुंबकीय बल रेखाओं के कारण प्रभावित होगी, और इन्हीं बल रेखाओं के कारण इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसी बल के मतलब उसी विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा उत्पन्न हो जाती है, किसमें, कुंडली में, ठीक। और यह धारा तब तक बहती रहती है जब तक कि इन चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात है इस कुंडली से चुंबक को हम हटा लेंगे बच्चों तो क्या है, विद्युत वाहक बल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, धारा भी शून्य हो जाएगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। यही चीज अब इसको मापते कैसे हैं कि भाई हाँ इसमें विद्युत वाहक बल है या धारा है, तो एक धारा मापी यंत्र लगा देते हैं बच्चों इसी कुंडली में, एक धारा मापी यंत्र लगा दिया जाता है। धारा मापी यंत्र के द्वारा ही पता कर लेते हैं कि हाँ, क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर आपको पता है, धारा मापी यंत्र कैसे होता है, इस तरह से, है ना, आपको पता है, ठीक, देखा होगा जो मोटर के स्टार्टर वगैरह होते हैं, स्टेबलाइजर होता है, उसमें भाई बताता है कितने एम्पियर की धारा है, तो ये धारा मतलब इधर उधर ठीक या सीधा रहता है, तो इसी से पता चल जाता है कि हाँ कुंडली में हलचल हो रहा है, यानी कोई ना कोई इसमें धारा की रीडिंग हो रही है, बस वही चीज होता है। तो यही जो घटना है वो क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधी फैराडे का प्रथम नियम है। प्रथम नियम यही कहता है कि क्या कहता है बच्चों, कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कह रहा है कि इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी के कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है, और यह धारा तब तक रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात है इसको हटा लेंगे तो बिल्कुल धारा भी शून्य हो जाएगी, यानी धारा समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई भी हलचल या कोई भी विक्षेप नहीं होगा। तो ये कहता है, मतलब ये होता है प्रथम नियम। चलिए अब हम देख लेते हैं फैराडे का दूसरा नियम क्या है, ठीक, फैराडे का दूसरा नियम क्या है। तो फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है बच्चों, ठीक, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो जो विद्युत वाहक बल होगा ई होगा, कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो यहां से डी फाई लिखिए या डेल्टा फाई, डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कह रहा है। अब यहां से डेल्टा टी लगा देंगे तो दर इसको पढ़ते हैं, और भाई यहां आगे माइनस लगा देते हैं तो ऋणात्मक हो गया। तो यही कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक जो बल है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो यही क्या हो जाता है बच्चों, फैराडे का दूसरा नियम। अब यहां पे चूंकि हमें पता है, ठीक, यानी डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, फाई टू माइनस फाई वन, ठीक, और यहां से हमें पता है डेल्टा टी बराबर हम लिख सकते हैं टी टू माइनस टी वन। तो इस नियम को अपन मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, ई बराबर माइनस का यहां से, ठीक, माइनस का फाई टू माइनस फाई वन हो गया बच्चों, और नीचे क्या हो जाएगा रसगुल्लों, टी टू माइनस टी वन। तो भाई अगर जरूरत पड़े तो इस नियम को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक चीज और भी इसमें ध्यान देने वाली बात है,
ध्यान देने वाली जो बात यह है बच्चों, अगर इसमें पूछ लिया जाए कुंडली में फेरों की संख्या एन हो, ठीक, लिखेंगे जैसे यहां पर यदि यदि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या एन हो, फेरों की संख्या एन हो जाए, देन ये फार्मूला यहां पर हम बच्चों इधर लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए, एन हो जाए तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, डेल्टा मतलब ई बराबर माइनस का एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये नियम कुछ इस कदर बन जाता है, यानी इस तरह से, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाता है, फैराडे का दूसरा नियम हो जाता है। तो ये रहे फैराडे के प्रथम व द्वितीय नियम, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है बच्चों, बाकी बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।